मेरे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आज के नए टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि एक चार्ज पार्टिकल को हम लोग किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कराने वाले हैं। जब वो चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझे कि जो चार्ज होता है वो जब रेस्ट पे होता है तो हमें पता है कि वो एक सोर्स होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड का। ठीक है ना, हम लोगों को पता है कि जब चार्ज रेस्ट के ऊपर होता है, जब चार्ज हमारा रेस्ट के ऊपर होता है, चार्ज एट रेस्ट इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अगर हम बात करें एक चार्ज की और चार्ज हमारा रेस्ट के ऊपर है तो उससे क्या निकलेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ निकलेंगी। ठीक है ना, ये चार्ज क्यू ग्रेटर देन जीरो है या नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है ना, शो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस हमारी शो कर रहा है। अगर एक चार्ज पार्टिकल हमारा मूव करना शुरू कर दे व्हेन चार्ज इज मूविंग, तो हमें पता है कि जब वो चार्ज मूव करता है तो वो एक सोर्स होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड का भी और मैग्नेटिक फील्ड का भी। व्हेन चार्ज इन मोशन इट इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि दोनों चीजें उसके अंदर होगी बच्चों। यानी कि हम माने कि ये हमारा जो चार्ज पार्टिकल था वो आगे की तरफ मूव कर रहा था विद वी वेलोसिटी से, ठीक है ना, और ये भी हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा विद द पैसेज ऑफ टाइम। यानी कि अब इसके चारों ओर क्या बनेगा, एक रीजन बनेगा, उस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड भी होगा और एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। यानी कि मैं एक रीजन यहां बना दूं तो कह सकते हैं ये रीजन, ठीक है, रीजन कंटेनिंग ई एंड बी, दोनों चीजें यहां पर ये रखता है बच्चों। लेकिन जब एक चार्ज पार्टिकल एक्सलरेट करना शुरू कर दे, मोशन में तो है, व्हेन ए चार्ज इज एक्सलरेटिंग, यानी कि चार्ज हमारा क्या कर रहा हो, एक्सलरेट कर रहा हो, तो हम कह सकते हैं इट इज ए सोर्स ऑफ, इट इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों ओर था, इसको ये क्या करना शुरू कर देता है, एमिट करना शुरू कर देता है। यानी कि ये पार्टिकल हमारा एक्सलरेट कर रहा था बच्चों। अगर एक्सलरेट कर रहा था तो यहां पर क्या होगा कि ये अब ऐसे रेडिएशन को एमिट करना शुरू कर देगा। यानी कि ये रेडिएशन है, ये रेडिएशन के अंदर की बात करें तो इसके अंदर ई भी होता है एंड बी भी होता है, ठीक है ना, ये दोनों चीजें होती है लेकिन वेरिंग, ठीक है ना, यहाँ एक शब्द हम लोग यूज कर रहे हैं वेरिंग ई एंड बी, ठीक है ना, दोनों चीजें वेरिंग होती है। यानी कि हम लोगों को समझ में आया, चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट पे होता है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड देगा, जब मोशन में होगा तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों देगा, जब वो एक्सलरेट करना शुरू कर दे तो हम लोगों को समझ में आया कि वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को रेडिएट करना शुरू कर देता है, जिसको हम लोगों ने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो हमारे घर में या हमारे पास जो लाइट आ रही है सन से, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम लोग देख पा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी
देख पा रहे हो, दैट इज ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, और दोनों के दोनों टाइम वेरिंग है, ठीक है ना। लेकिन आज हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर कि हम एक चार्ज पार्टिकल को जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कराते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, ठीक है ना। तो हमने अपना एक्सपेरिमेंट सेटअप करा और हम लोगों ने जाना कि जो फोर्स है मूविंग चार्ज के ऊपर वो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो हम लोग आज अभी बात करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। तो हम लोगों को पता चला कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ चार्ज के या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। पहला फैक्टर हम लोगों को जो पता चला, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास चार्ज के, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर अमाउंट ऑफ चार्ज ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा है, अगर अमाउंट ऑफ चार्ज कम है तो फोर्स भी बच्चों कम है। क्लियर है। यानी कि जब इसका ग्राफ वो बनाते हैं तो ऊपर की तरफ हम लोगों ने फोर्स रखा, नीचे की तरफ हम लोगों ने चार्ज रखा, तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो ग्राफ आता है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता है। कह रहा है जैसे जैसे अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ेगा। ये हमारा पहला फैक्टर था हम लोगों ने डिस्कस करा, ठीक है। फैक्टर सेकंड के अंदर कहता है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। ऐसा क्या है? कह रहे हैं कि जो फोर्स है वो ज्यादा होगा अगर वेलोसिटी ज्यादा है, फोर्स कम होगा अगर वेलोसिटी यहां पर कम है। यानी कि वेलोसिटी ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, वेलोसिटी कम तो फोर्स भी कम। जब इसके लिए ग्राफ बनाया तो हमने देखा कि इधर ये हमारे पास v, इधर हमारे पास ये f। जब दोनों के अंदर ग्राफ देखा तो ये ग्राफ भी कैसा बना बच्चों? स्ट्रेट लाइन बना। भाई ये इन दोनों के बीच का ग्राफ है बच्चों, बाकी सारी चीजें यहाँ पर क्या है? कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं अदर क्वांटिटी कैट कॉन्स्टेंट। ये जब ग्राफ बन रहा है ना तो अदर क्वांटिटी यहां पर क्या है? कॉन्स्टेंट है। अदर क्वांटिटी कैट कॉन्स्टेंट। क्लियर है बच्चों। जब तीसरे फैक्टर की बात करी तो हम लोगों को पता चला कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। यानी कि फोर्स हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हमने जो सेटअप करा, ठीक है ना, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया बी के। यानी कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है तो फोर्स भी जो एक्सपीरियंस करेगा चार्ज पार्टिकल वो ज्यादा करेगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड बच्चों यहाँ कम है तो जो चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो भी बच्चों कम करेगा। यानी कि यहाँ पर अब हम लोग फिर से ग्राफ बनाए, यहाँ पर हम लोगों ने बी और यहाँ पर हम लोगों ने एफ मेंशन करा, तो ये जो ग्राफ बना वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनता है। अब यहाँ स्ट्रेट लाइन बनने की वजह क्या है कि अदर जो क्वांटिटी है, अदर फिजिकल क्वांटिटी को हम लोगों ने क्या रखा? कांस्टेंट रखा, ठीक है ना। और किस पे डिपेंड करता है? कहता है कि जो फोर्स है, मैं यही मेंशन कर रहा हूं कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन ऑफ एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर
एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन ऑफ थीटा के, और ये जो साइन ऑफ थीटा है ये एंगल है। थीटा क्या है बच्चों? एंगल है बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में। जब इन सारी चीजों को हम लोगों ने कंबाइन करा तो हम लोगों को पता चला कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली आ रहा है क्यू वी बी साइन थीटा के। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो कांस्टेंट आ गया के क्यू वी बी साइन थीटा के बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ पर के का वैल्यू हम लोगों ने क्या रखा? वन। यहाँ पे के का वैल्यू क्या आता है बच्चों? वन आता है। तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है बच्चों। क्या हो गया? एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। एक बार ये सारी चीजें नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये अभी तक सारी चीजें समझ में आई। अब देखो जो फोर्स था वो अभी तक मैग्नीट्यूड की फॉर्म के अंदर था। अगर उसको वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखते हैं, इस फॉर्म के अंदर लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखते हैं, ठीक है ना, इन वेक्टर फॉर्म। अगर वेक्टर फॉर्म के अंदर बच्चों इसको मेंशन करते हैं हम लोग, तो आप देखोगे कि यहां पर एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा अगर हम लोग लिखते हैं, तो ये एफ इज इक्वल टू क्यू, देखो वी बी साइन थीटा मतलब कि साइन थीटा आ रहा है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया किसका? वेलोसिटी वेक्टर का और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का। यहां पर ये क्या है बच्चों? क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, जो ये फोर्स की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी जो प्लेन वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को रखता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के, और फोर्स परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के। फंडा क्लियर हुआ यहाँ पर? बात समझ में आई? ठीक है। अब यहां पर हम लोग जानते हैं कि जो साइन थीटा है उस पर किस किस तरह से ये फोर्स डिपेंड करता है। अभी डायरेक्शन हम लोग निकाल लेंगे। डायरेक्शन का अगर हम लोगों को सेंस चाहिए टू गेट द सेंस ऑफ डायरेक्शन, वी यूज द राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल यानी कि हम लोगों को ये राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से हमें डायरेक्शन का सेंस मिल जाएगा। कैसे समझे इस बात को? कि हमने ये वेलोसिटी है बच्चों, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये हमारे पास फोर्स होगा। ये जो फोर्स है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के भी, और ये फोर्स परपेंडिकुलर होगा हमारे वेलोसिटी वेक्टर के भी। यानी कि ये वेलोसिटी वेक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम प्लेन के अंदर लाई करेंगे, और ये एंगल जो होगा उनके बीच का वो कितना होगा? थीटा होगा, ठीक है ना। राइट हैंड थंब रूल कैसे हेल्प करेगा? हम लोग बना लेते हैं राइट हैंड थंब रूल। हम बहुत बार इसको हम डिस्कस करते आए हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि डायरेक्शन जो है वो फोर्स देगा, और जो कर्ल फिंगर है वो वेलोसिटी वेक्टर से घूमते हुए कहां तक पहुंच रही है? बी तक पहुंच रही है, ठीक है ना। तो ये एंगल बता रहा है। तो अब हम लोग देखें, ये वेलोसिटी वेक्टर, ये वेलोसिटी वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड, और थंब क्या दे रहा है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स दे रहा है। यानी कि ये एंगल की डायरेक्शन बता रहा है कि एंगल वी से कहां तक जा रहा है? बी तक जा रहा है, क्योंकि हमने अपने पहले क्वेश्चन के अंदर यहां स्टेटमेंट में पहले वी बाद में बी लिखा है, तो एंगल हमारा वी से कहां तक जाएगा? बी तक जाएगा, ठीक है ना। फंडा क्लियर हुआ? बस उनमें। और ये चार्ज पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन है, ठीक
लेकिन और ध्यान में रखना, ये जो वैलिडेट कर रहा है ये पॉजिटिव चार्ज के लिए कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज के लिए। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो ये उल्टा हो जाता, ठीक है ना। यानी कि अब यहां पर ये V होगा, ठीक है ना, ये B हो गया। यानी कि हम लोग माने अगर यहां नेगेटिव चार्ज होता बच्चों, ये V और ये B, तो फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ होती अगर नेगेटिव चार्ज होता तो, ठीक है ना। ये नेगेटिव चार्ज की वजह से है, सॉरी, ये नेगेटिव चार्ज के लिए है और ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है, ठीक है। थोड़ा सा फंडा क्लियर हुआ कि यहां पर जो फोर्स की डायरेक्शन है हम लोग राइट हैंड थंब रूल से देंगे, और राइट हैंड थंब रूल हम लोगों ने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के अंदर, यानी कि जब हम लोगों ने वेक्टर का डिस्कशन करा था, हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको समझा था, ठीक है। उसका छोटा सा एलिमेंट्री आइडिया हम लोगों ने दिया कि हम लोग अपने राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हुए फोर्स की डायरेक्शन हम लोग दे सकते हैं। लेटर हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का भी यूज करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी यहां बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन का सेंस, क्योंकि वी क्रॉस बी है, इनके बीच में अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो वहां पर जो क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से नया वेक्टर बना वो फोर्स बना, और उस फोर्स की डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड थंब रूल से देते हैं, ठीक है। ये बात हम लोगों को पता होनी चाहिए, क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि ये जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो एंगल के साथ कैसे वेरी करता है, एंगल के साथ कैसे वेरी करता है, ठीक है ना। हाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वेरी विद द थीटा एंगल, ठीक है। ये बच्चों एंगल है, इसके साथ ही हमारा फोर्स किस तरह से वेरी करेगा। सपोज करके चले कि हमारे पास की जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी हो जाए, 0 डिग्री हो जाए। अगर थीटा की वैल्यू 0 होगी तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। साइन 0 क्या होता है बच्चों, 0 होता है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 0 डिग्री। तो यहां पर हमारे पास फोर्स क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। अब जो थीटा था वो 0 डिग्री होने का मतलब क्या है कि हमारा वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या है बच्चों, पैरेलल है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, पैरेलल है। अगर ऐसा हम लोगों को देखने को मिलता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा है और इसके बीच में हम लोगों ने अपना चार्ज दिखाया और ये चार्ज भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहां पर थीटा क्या हो गया, 0। यानी कि अगर हमारा चार्ज अलोंग द फील्ड मूव कर रहा है और एंगल 0 बना रहा है तो यहां पर फोर्स क्या होगा, 0 होगा। यानी कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी 0 इफ द चार्ज पार्टिकल मूव पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है बच्चों, बात समझ में। अगर यहां पर कह दे कि सर थीटा की वैल्यू यहां पर 90 डिग्री कर दे, ठीक है ना, तो साइन 90 डिग्री क्या होता है बच्चों, 1 होता है। यानी कि ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। थीटा 90 डिग्री होने का मतलब ऐसा है कि यहां पर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो इसी डायरेक्शन में है, लेकिन हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। यानी कि ये एंगल देखें वो कितना है, 90 डिग्री। जब यहां पर फोर्स निकालते हैं तो वो क्यू वी बी साइन 90 डिग्री हो गया, और यहां पर अब फोर्स निकालते हैं क्यू वी बी साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहां पर जो फोर्स हम लोगों को मिला क्यू वी बी मिला, ठीक है। अब हमें यह भी पता है कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है ना। 1 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन, ठीक है ना, साइन का ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो ये फोर्स भी कैसा होगा बेटा, मैक्सिमम होगा क्यू वी बी,
ठीक है ना, यानी कि मैक्सिमम फोर्स हम लोगों को कब मिलेगा, जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना, कह सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो हम लोगों को पता चल रहा है यहां पर जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है बच्चों, एक बार वीडियो को पॉज करके सारी चीजें नोट डाउन कर लेना भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर थीटा यहां पर क्या हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, थीटा क्या हो जाए बच्चों, 180 डिग्री हो जाए, इफ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों, जीरो होती है, यानी कि हम लोग यहाँ समझे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमारी अभी भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ थी, लेकिन हमारा जो चार्ज पार्टिकल था वो हमारा मूव कर रहा था नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है ना, यानी कि इनके बीच में जो एंगल देखेंगे वो कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, यानी कि एंटी पैरेलल हो गया, है तो पैरेलल ही लेकिन एंटी पैरेलल, मतलब कि एंगल आप उनके बीच में कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो अब यहां पर अगर फोर्स निकालते हैं तो क्यू वी बी साइन 180 डिग्री, ठीक है, तो फोर्स का वैल्यू अगेन यहां पर क्या आ गया बच्चों, जीरो आ गया, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी जीरो व्हेन वेलोसिटी वेक्टर या व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज इज अपोजिट टू द डायरेक्शन, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बच्चों, अपोजिट हो जाए हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के, तब भी यहां पर फोर्स क्या होगा बच्चों, जीरो होगा, ये बात हम लोगों को जस्टिफाई कर रही है। ठीक है, अब हम लोगों को ये समझ में आया कि फोर्स का वैल्यू जीरो कब होगा, जब थीटा जीरो होगा या थीटा 180 डिग्री होगा, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे बात कर कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि फोर्स इक्वल्स टू जीरो व्हेन, पहली चीज जो हम लोगों को पता चल रही है, थीटा इक्वल्स टू जीरो डिग्री और थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इक्वल्स टू जीरो। एक कंडीशन और भी बनती है, कह रहा है कि अगर चार्ज पार्टिकल हो ही ना तो उस पर कोई फोर्स ही ना लगे, चार्ज पार्टिकल ना हो तो उस पर कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, यानी कि चार्ज पार्टिकल का चार्ज ही क्या कर दे, जीरो कर दे, यानी कि फॉर न्यूट्रल पार्टिकल, फॉर न्यूट्रल पार्टिकल इट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, यानी कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है, फंडा क्लियर हुआ कि एक चार्ज पार्टिकल के बीच में एंगल या तो जीरो या 180 डिग्री हो तो फोर्स जीरो, और अगर वो चार्ज है ही नहीं, एक न्यूट्रल पार्टिकल है जैसे लाइक न्यूट्रॉन है तो उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है, फोर्स मैक्सिमम होगा तब जब थीटा बच्चों 90 डिग्री होगा, तब हम कह सकते हैं द मैग्नीट्यूड
फोर्स विल बी मैक्सिमम, और वो मैक्सिमम क्यू वी डी के इक्वल आएगा। ये बात हम लोगों ने ध्यान में रखनी है, ठीक है ना? फंडा क्लियर हुआ, बात समझ में आई? ठीक है, अभी क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसके ऊपर, ठीक है ना? एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसके ऊपर। आप लोग स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ठीक है? यहाँ स्टेटमेंट कहता है कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, 2 माइक्रो कूलम। क्यों कितना दे रखा है बच्चों? 2 माइक्रो कूलम हमें यहाँ चार्ज दे रखा है, और यहाँ पर जो वेलोसिटी दे रखी है v, वो कितनी दे रखी है? 2i-3j प्लस का k इंटू में 10^6 मीटर पर सेकेंड यहाँ वेलोसिटी दे रखी है, और इसके साथ साथ हम लोगों को दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना? वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, 2i+(5j-3k) इनटू में 10^-2 टेस्ला। अब यहाँ कह रहा है कि हम लोगों को फोर्स का वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए? फोर्स चाहिए, ठीक है ना? व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल, हम लोगों ने फोर्स निकालना, ठीक है बच्चों? अब फोर्स के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है? वी क्रॉस बी क्यों लिखा? क्योंकि यहां पर वी भी वेक्टर फॉर्म में दे रखा है और बी भी वेक्टर फॉर्म के अंदर दे रखा है, तो हम लोगों ने वी क्रॉस बी निकालना है। अगर फोर्स निकालना है, फर्स्ट वी हैव कैलकुलेट वी क्रॉस बी। वी क्रॉस बी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर आई जे के हम क्रॉस प्रोडक्ट वाला मेथड अडॉप्ट करेंगे, ठीक है ना? 2-3 k, 2-3, और k का वैल्यू बेटा यहां पर कितना है? 1 है, यहां है 2, 5 और -3, क्लियर है? अब v क्रॉस b निकाल रहे हैं बच्चों, और ये मैग्नीट्यूड निकलेगा एक तरह का, सॉरी वेक्टर नहीं निकलेगा। अब i इसको इसको सबमिट करा तो ये हो गया --3×3, 9, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस का 9, माइनस इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे -5, -6। आप लोगों को पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलते हैं। अब इसको इसको शांत कर देंगे, यानी कि वाली लाइन और इस वाली लाइन को छुपा देंगे, तो 3 × 2 = 6, तो कितना गया? -6, फिर -2, ठीक है, प्लस का k, k के लिए इन दोनों को छुपा दिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए तो 10, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, तो माइनस माइनस क्या हो गया? 6 हो गया। तो यहां पर आ गया v क्रॉस b इज इक्वल टू 4i-+8j, ठीक है बच्चों, प्लस का 16k। एक बार ही हम लोग थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, -6, -2, +8, +16, ठीक है? ये हमारे पास रिजल्ट आ गया बच्चों v क्रॉस b। लेकिन अब ध्यान में रखना है कि v के मल्टीप्लाई में 10^6 भी था, और 10 और b के मल्टीप्लाई में 10^-2 भी था, तो यहाँ पर 10^6 और 10^-2 का भी हम लोगों ने खास ध्यान रखना है भाई। तो यहाँ पर v क्रॉस b आ गया 4i+8j+16k इंटू में 10^4, ठीक है? ये हमारे पास v क्रॉस b आ गया, लेकिन हम लोगों ने क्या निकालना है बच्चों? फोर्स निकालना है। तो फोर्स क्या होएगा? q इंटू में v क्रॉस b। तो ये q का वैल्यू कितना है? 2 माइक्रो कूलम, यानी कि 2 माइक्रो कूलम है। q 2×10^-6 है, तो 10^4 और 10^-6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं सीधा लिख रहा हूँ 10^-2, ठीक है? और पूरी की पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 8i+(16j+32k न्यूटन। ये हमारे पास नेट फोर्स आ गया बच्चों,
ठीक है, बात क्लियर हुई, समझ में आया कि हमारे पास अगर वी दे रखा है, बी दे रखा है और क्यू है, तो हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आया। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के निकल जाता है एक रीजन में से, जहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। जहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो हम लोगों ने बताना है कि इन चारों में से वो पॉसिबल स्टेटमेंट कौन सा है। कि हमारा ई और बी दोनों पैरेलल हो, बट वेलोसिटी इज नॉट पैरेलल टू ई, कैसे समझे? देखो, अब डिफ्लेक्शन नहीं होगा, मतलब कि फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स का वैल्यू जीरो होगा। फोर मैग्नेटिक फील्ड के लिए बात करते हैं, फोर मैग्नेटिक फील्ड के लिए बात करते हैं बच्चों, फोर्स का वैल्यू जीरो होगा कब? कि जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन एक जैसी हो, यानी कि ये तो आगे हो चाहे पीछे हो, ठीक है ना, तो ये डिफ्लेक्शन नहीं देगा, इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है ना, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है, तो हम कह सकते हैं नो नेट फोर्स, यानी कि एफ यहां पर जीरो। क्लियर है, पढ़ना क्लियर है? और ये चार्ज पार्टिकल हमारा कंटिन्यू मूव करता रहेगा सेम डायरेक्शन में, कंटिन्यू टू मूव इन सेम डायरेक्शन, यानी कि सेम डायरेक्शन के अंदर मूव करता रहेगा। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आई आप लोगों के? अब देखो, अगर यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड होता, ठीक है ना, अगर चार्ज पार्टिकल को अगर हम लोग इसी डायरेक्शन में मूव करा दें, यानी कि फील्ड की डायरेक्शन भी बच्चों इधर ही रखें, ठीक है ना, तो यहां पर देखेंगे इसके ऊपर फोर्स तो लगेगा, फोर्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, लेकिन यहां पर वो सेम डायरेक्शन के अंदर मूव करता रहेगा, यहां पर नो डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगा, कोई भी डिफ्लेक्शन हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, ना तो ये ऊपर जाएगा ना ये पीछे जाएगा, यानी कि ये स्टिल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन, कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि सेम डायरेक्शन के अंदर ही हम लोगों को चलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो हमारा प्राइमरी पर्पस क्या था? कि उसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, फोर्स लगे लगे ना लगे हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन ना हो। तो हमें समझ में आया कि हमारा बी और ई दोनों पैरेलल होने चाहिए, ठीक है ना, और हमारा वेलोसिटी वेक्टर भी इसके अलोंग होना चाहिए। जब तीनों पैरेलल होंगे तो यहां पर चार्ज पार्टिकल डज नॉट एक्सपीरियंस एनी डिफ्लेक्शन, तब इसको कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। क्लियर है? अब इन सारे के सारे स्टेटमेंट में देखते हैं, हमारा पहला स्टेटमेंट ए कह रहे हैं कि हमारा ई और बी पैरेलल होना चाहिए, भाई सही है, ये तो हमारी ठीक हो गया। वी इज नॉट पैरेलल टू, यानी कि वेलोसिटी ई के पैरेलल नहीं होना चाहिए, नहीं, यानी पहले वाला स्टेटमेंट गलत। वी और बी पैरेलल होने चाहिए, भाई सही है, वी और बी पैरेलल होने चाहिए, लेकिन कह रहा है ई इज नॉट पैरेलल टू बी, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं होने चाहिए, ऐसा नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत। अब कह रहा है ई पैरेलल टू बी, ई और बी पैरेलल है और वी पैरेलल टू ई, ये भी पैरेलल है, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट हमारा हो गया करेक्ट, ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट ई इज नॉट पैरेलल टू बी एंड वी, यानी कि ये दोनों के पैरेलल नहीं होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट हम लोग अभी के लिए गलत बोल सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना आप लोग, कि अगर हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड को परपेंडिकुलर कर दिया इस तरह से कि यहां पर इसकी वजह से फोर्स इस तरफ लगे और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स इस तरफ लगे, और दोनों के दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो, तो चार्ज पार्टिकल बिना किसी डेविएशन के सीधा का सीधा निकल जाएगा। ऐसा भी होता है, लेकिन ये हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर में।
ठीक है ना। अभी के लिए हम लोगों ने इतना ही पढ़ा कि यहाँ पर जब एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगता है तो वो फोर्स का अमाउंट कितना होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हुई, बात समझ में आई, वीडियो को पॉज करके भी सारी सारी चीजें नोट डाउन कर लेना। ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अब हम लोगों से पूछ ले कि सर हम लोगों को डायरेक्शन निकालना है, ठीक है ना। हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और फोर्स वेक्टर एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाए, मतलब कि दो चीजें एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, तो हम लोगों को फोर्स की डायरेक्शन या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम लोगों को निकालनी है। आप अज्यूम करो कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर दोनों एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। क्या कह रहे हैं हम लोग, अगर वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर है तो हमें फोर्स की डायरेक्शन चाहिए, वो किधर होगी ये हम लोग कैसे निकालें, क्योंकि हर बारी राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है कि चार्ज पॉजिटिव है के नेगेटिव है, चार्ज पॉजिटिव है के नेगेटिव है। तो इस चीज की कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की बात कर रहे हैं। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, कह रहा है कि आप अपनी उंगलियों को तीनों को एकदम इस तरह से स्ट्रेच करो कि तीनों की तीनों क्या एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर। ठीक है ना, आप लोगों ने अपनी उंगलियों को स्ट्रेच करना है और ऐसा अज्यूम करना है कि तीनों की तीनों उंगलियां एक दूसरे के क्या हो बच्चों, परपेंडिकुलर हो। और ये ठीक है, ये हमने अपना हाथ बना लिया बेटा, आप लोगों को नजर भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना, ये हाथ की रेखाएं होगी, ठीक है ना, बहुत अच्छी नहीं है। तो तीनों की तीनों उंगलियां हमारी बिल्कुल ऐसे है कि ये ऊपर की तरफ है, ये आगे की तरफ, ये बाहर की तरफ ऐसे निकल रहा है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में एंगल देखोगे 90 डिग्री है, ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल देख रहे हो 90 डिग्री है, और इन दोनों के बीच में एंगल देख रहे हो तब भी ये कितना है 90 डिग्री, यानी कि तीनों उंगलियां हमारे पास क्या है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये कह रहा है स्ट्रेच स्ट्रेच द फिंगर्स, स्ट्रेच द फोर फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब इन सच ए वे दैट ऑल दीज आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि तीनों की तीनों एक दूसरे के क्या हो, म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो अब हम लोगों ने याद रखना है एफ बी आई, अगर इतना हम लोगों को समझ में आ गया तो हम लोगों ने याद रखना है एफ बी आई, यानी कि यहां पर हम लोग यूज करेंगे एफ, यहां यूज करेंगे बी और यहां यूज करेंगे आई। क्लियर है, तो यहां पर हम कह रहे हैं कि जो फोर्स है वो फोर्स की डायरेक्शन कौन देगा, थंब देगा, फोर्स यानी कि थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, यहां फोर फिंगर क्या देगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ बी, छोटा ही लिख रहा हूँ, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और हमारी जो मिडल फिंगर है बच्चों वो क्या देगी, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि ये हम लोगों को डायरेक्शन देगा करंट का, यानी कि अब हम लोगों को आइडिया लग गया। ठीक है ना,
या यहाँ पर V की बात करो, FBV, I है, I मतलब करंट, I मतलब करंट, और करंट की डायरेक्शन किधर होती है, जिधर हमारा पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, जिधर हमारा बच्चों पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है वो डायरेक्शन हमारे पास करंट की होती है। तो इधर करंट फ्लो करने का मतलब हमारा पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, फंडा क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन असाइन करनी है, किसकी डायरेक्शन असाइन करनी है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम लोगों ने असाइन करनी है, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर आप लोगों को ऐसा मिलता है, यानी कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर है, लेफ्ट से राइट की तरफ है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज लेफ्ट टू राइट, ऐसे ऊपर हो, आगे हो, पीछे नीचे हो, तो हम लोग बता सकते हैं। अगर आप लोगों को ऐसा मिलता है क्रॉस, तो ये क्या बताता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर इनवर्ड है पेज के, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द पेज, ठीक है ना, परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द पेज। अगर आप लोगों को ऐसा क्रॉस मिला था, ठीक है ना, क्रॉस का मतलब कि अंदर की तरफ जा रहा है, अगर आप लोगों को ऐसे डॉट मिल जाए, ठीक है, डॉट को मैं ऐसे राउंड करके दिखा रहा हूं, ठीक है, ताकि हाईलाइट हो जाए, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर आउट ऑफ द पेज है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड ऑफ द पेज, ठीक है, या प्लेन ऑफ पेपर भी ऐसा होता है, ठीक है ना, पेज बोल दे, प्लेन ऑफ पेपर बोल दे, एक ही मतलब है, पेज बोल दिया यहां पर या प्लेन ऑफ पेपर बोल दिया, ठीक है बच्चों, बात समझ में आई, ठीक है ना। तो अब हम लोग एक चार्ज पार्टिकल को मूव कराते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, चार्ज पार्टिकल को बच्चों मूव कराते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, ठीक है बच्चों, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। अब होगा क्या कि अज्यूम करके चले बच्चों कि यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने सेटअप कर दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने बच्चों सेटअप कर दिया, ठीक है, आप लोग देख भी पा रहे हैं, ठीक है। जब इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल हम लोग मूव कराते हैं, चार्ज पार्टिकल हम लोग जब मूव कराते हैं तो उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और फोर्स की डायरेक्शन हम लोग किससे देंगे बच्चों, अपने फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से देंगे, किससे देंगे, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से देंगे। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ दिखा रहा हूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को वेलोसिटी दिया मैंने इस तरफ, ठीक है, और ये जो क्रॉस आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर, ये क्रॉस क्या बता रहा है, बी क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द पेज, यानी कि पेज के बिल्कुल परपेंडिकुलर इनवर्ड है बच्चों, पेज के बिल्कुल परपेंडिकुलर इनवर्ड है, बात समझ में आई। अब यहां पर फोर्स कैसे लगेगा, हम लोगों ने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल रिकॉल करना है, अभी ऊपर हम लोगों ने समझा कि हमारा जो एफ बी आई, तो हमें बी और आई पता है, आई का मतलब
डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल, कौन से चार्ज पार्टिकल की, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की। तो सबसे पहले बी देखते हैं, बी किधर है, परपेंडिकुलर इनवर्ड ऑफ द पेज है, तो हम लोगों ने दिखा दिया ये उंगली बिल्कुल कहाँ जा रही है, परपेंडिकुलर इनवर्ड इनवर्ड ऑफ द पेज। हमारा जो फिंगर है वो किधर अलाइन हो गया, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, ठीक है ना। देखो आप लोगों के लिए यहाँ पे हम लोगों ने बनाया कि यहाँ पर ये उंगली नीचे की तरफ है बेटो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, यहाँ पर ये डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल हो गई, और ये थंब क्या दे रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स दे रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स दे रहा है। तो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा बच्चों, ऊपर की तरफ लगेगा। चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कहाँ लग रहा है बच्चों, ऊपर की तरफ, ठीक है। फंडा क्लियर हुआ, बात समझ में आए, ठीक है। अब होगा क्या कि ये चार्ज पार्टिकल ऐसे गोल गोल घूमेगा, यानी कि ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो अब ये इधर पहुंच गया, यानी कि यहां पर जैसे ये चार्ज पार्टिकल पहुंचा अब इसकी डायरेक्शन इधर होगी वेलोसिटी की, ठीक है ना। डायरेक्शन क्या होगी वेलोसिटी की, इधर होगी। फंडा क्लियर है। अब यहां पर देखेंगे फिर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, तो फोर्स की डायरेक्शन बच्चों हम लोगों को इधर मिलती है। अब चार्ज पार्टिकल पे इधर फोर्स लग रहे हैं तो ये इधर आएगा, तो ये चार्ज पार्टिकल अब इधर पहुंच गया, अब फोर्स वेलोसिटी इधर हो गई, अब वेलोसिटी इधर हो गई तो फोर्स अब बच्चों इस पे कहां लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, फिर ये नीचे की तरफ घूमेगा तो ये चार्ज पार्टिकल बच्चों यहां आ गया। अगर अब देखिए यहां वेलोसिटी इस तरफ है तो फोर्स इसके ऊपर बच्चों अंदर की तरफ लगेगा और ये ऐसे गोल गोल घूमना शुरू कर देगा। यहां पर हम लोगों ने देखो क्या लगाया, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाया। लेफ्ट हैंड रूल लगाने पर हम लोगों ने देखा कि इस पॉइंट के ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ था, फिर जब यहां लगाया तो देखो ये फोर्स ऐसे लगाने के बाद देखो इस पे ये वेलोसिटी ऊपर की तरफ, ये फील्ड नीचे की तरफ, ये थंब इस तरफ नोट आउट नोटेशन दे रहा है या डायरेक्शन दे रहा है, तो फोर्स हमारा इस तरफ। जब ऊपर की तरफ लगाएंगे बच्चों फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, तो वेलोसिटी हमारी इस तरफ है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड ऑफ द पेज है, तो फोर्स हमारा बच्चों किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। फोर्स किधर होगा बच्चों, नीचे की तरफ होगा। फिर पार्टिकल यहां आएगा तो फोर्स हमारा इस तरफ मिल जाएगा, यानी कि इस पार्टिकल को ऐसे गोल गोल घुमाना शुरू कर देता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसका मोशन कैसा होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं व्हेनेवर ए चार्ज पार्टिकल मूव इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस ए फोर्स, ठीक है ना, इट एक्सपीरियंस ए फोर्स, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, यानी कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग क्या दे रहे हैं, यहां पर डायरेक्शन दे रहे हैं फोर्स का। क्लियर है बच्चों, एक चीज तो हम लोगों को क्लियर हो गया, और ऐसा लग रहा है कि ये सारा का सारा फोर्स इस सर्कल के सेंटर की तरफ लग रहा है, तो ऐसा हो गया कि बॉडी को गोल गोल घुमा रहा है, तो ये गोल गोल घुमाने वाला फोर्स कौन सा था, क्यू वी बी, और ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अज्यूम करके चल रहे हैं कि यहाँ पर बच्चों इस चार्ज पार्टिकल का मास भी एम था, ठीक है ना, मास भी क्या था बच्चों यहाँ पर एम था, और ये दोनों फोर्स क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे, ठीक है ना। मैं इस चीज को अभी थोड़ी देर में लिखूंगा पेज पलटने के बाद, लेकिन उससे पहले एक दिमाग में चीज आ रही होगी कि सर यहाँ पर जो वेलोसिटी वी थी तो इसके ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ लगा, तो यहाँ पर वेलोसिटी चेंज क्यों नहीं हुई, यहां पर वेलोसिटी चेंज क्यों नहीं हुआ, ठीक है। फिर यहां पहुंच गया, यहां पर भी वेलोसिटी सेम है, यहां पर भी वेलोसिटी सेम है, तो हम कहेंगे कि जब चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमता है तो
तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहने का मतलब या वर्क डन यहाँ पर जीरो होता है, तो एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। एनर्जी कांस्टेंट रहेगी तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे वेलोसिटी या हम कहें स्पीड यहाँ पर सेम रहेगा। ठीक है, ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखना कि व्हेन ए चार्ज मूव इन ए सर्कल, इन ए सर्कल, ठीक है ना, इट्स काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है बच्चों? कॉन्स्टेंट रहती है। हेंस स्पीड रिमेन्स सेम। तभी यहां पर हम लोगों ने क्या बोला, स्पीड क्या है, सेम है। ऐसा बोलने की वजह भी क्या है कि देखो यहां पर फोर्स अंदर की तरफ है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ, यानी कि दोनों के बीच में जो एंगल है ना बच्चों वो 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर जो एवरेज पावर आएगी ना वो जीरो आएगी। जो एवरेज पावर आएगी बच्चों वो क्या आएगी? जीरो। लेकिन एक बार वीडियो को पॉज करके आप ये सारी चीजें नोट डाउन कर लो। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर हम लोग बोलने वाले हैं जो पावर है या एवरेज पावर इन द एवरेज पावर ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। यानी कि ये हमारे पास क्या होगी बच्चों? जीरो होगी। ठीक है, ये बात हम लोगों को समझ में आई। एवरेज पावर यहाँ बच्चों क्या होगी? जीरो होगी। ये हम लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखें कि फोर्स इनटू में वेलोसिटी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो बच्चों क्या है? जीरो है। फोर्स और वेलोसिटी का यहां पर अगर डॉट प्रोडक्ट देखेंगे वो क्या है? जीरो। क्योंकि पीछे वाले फिगर में हम लोगों ने देखा कि यहां पर फोर्स अंदर की तरफ था और वेलोसिटी ऊपर की तरफ था, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, और एफ वी कॉस 90 क्या होता है बच्चों? जीरो होता है। तो मैंने यहां पर सीधा लिख दिया, ठीक है ना, क्योंकि कॉस 90 डिग्री क्या होता है बच्चों? जीरो होता है। ठीक है, अब फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एम इंटू ए इंटू में वी इज इक्वल टू जीरो। यानी कि m इंटू में a को क्या लिख सकते हैं? dv बाय dt, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटू में dt इक्वल्स टू जीरो। यानी कि m इंटू में d बाय dt v डॉट v इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, m d बाय dt, देखो दोनों का डॉट प्रोडक्ट है तो v स्क्वायर बन गया इज इक्वल टू जीरो। अब बच्चों यहां पर हम लोग क्या करें कि m को अंदर ले जाएं, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है m, तो अंदर ले जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। m v स्क्वायर, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से डिवाइड कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इज इक्वल टू जीरो। यानी कि ये क्या कहला रहा है? d बाई डी टी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। काइनेटिक एनर्जी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जीरो है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या है? कॉन्स्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंट है तो स्पीड भी बच्चों उसका कांस्टेंट ही होगा, स्पीड भी उसका कांस्टेंट ही होगा। तो हम लोगों ने समझा कि जब चार्ज पार्टिकल ऐसे गोल गोल घूम रहा है तो यहां पर वेलोसिटी चेंज नहीं होती, यानी कि जो स्पीड है ये कांस्टेंट रहती है। ये स्पीड बच्चों क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, स्पीड चेंज नहीं होती। तो ये आप लोग ध्यान में रख लेना, स्पीड रिमेन सेम, ये हम लोगों ने यहाँ ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई आप लोगों के कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या बताने की कोशिश करी है? ठीक है, फंडा क्लियर हुआ। अब हम लोगों ने कहा था कि जब चार्ज पार्टिकल गोल गोल घूमता है, जब चार्ज पार्टिकल यहाँ पर भी बोला था ना कि जब चार्ज पार्टिकल से गोल गोल घूमता है तो उसको गोल गोल घुमाने वाला फोर्स कौन सा था? क्यू वी बी, ठीक है ना। और उस फोर्स की डायरेक्शन हम लोगों ने किससे निकाली थी? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से।
जब चार्ज पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है तो हम लोगों ने समझा कि उस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है। और सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है बच्चों, तो इसका रेडियस मान लेते हैं कितना है, आर, ठीक है ना? ठीक है, तो हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं। नाउ फ्रॉम द अबव फिगर, आप लोग अबव फिगर लिखना, ठीक है? आप लोगों ने ऐसा देखा था और ये फोर्स ऐसे अंदर की तरफ आ रहा था, ये वेलोसिटी इधर था, और मान लेते हैं ये रेडियस बच्चों कितना है इसका, आर है। ये रेडियस कितना है, आर। फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट द फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है ना? हम कह सकते हैं दिस फोर्स मूव्स द चार्ज पार्टिकल, मूव्स द चार्ज पार्टिकल इन द सर्कुलर मोशन, यानी कि उसको किसमें मूव कराता है, सर्कल में मूव कराता है, दैट प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम लोगों को क्या मिलेगा बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोगों को मिल रहा है एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो ये इक्वेशन हमारे लिए फर्स्ट हो गया बच्चों, ये इक्वेशन हमारे लिए सेकंड हो गया। उनका एक साइड इक्वल है तो दूसरा साइड भी इक्वल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो हम लोग लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन में आर इज इक्वल टू क्यू वी बी। अब यहां एक वी से एक वी कट गया, यहां बच गया एम वी अपॉन में आर इज इक्वल टू क्यू बी, यानी कि यहां पर हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं बच्चों, वो आ जाएगा एम वी अपॉन में क्यू बी, ठीक है ना? यहां पर आर हम लोगों को मिला एम वी अपॉन में क्यू बी। एम इंटू वी क्या होता है, मोमेंटम होता है, तो आर इज इक्वल टू पी अपॉन में क्यू बी लिख सकते हैं बच्चों। वी नो पी इज इक्वल टू एम वी, और पी यहां पर क्या है बच्चों, मोमेंटम है, ठीक है ना? फंडा क्लियर है? आर को और क्या लिख सकते हैं बच्चों, पी की जगह टू एम के रूट अपॉन में क्यू बी भी आ सकता है। अब यहां पर देखो आप लोगों ने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय टू एम, या पी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग कैसे लिख रहे थे, टू एम के का होल रूट, यानी कि पी इज इक्वल टू टू एम के का होल रूट यहां पर आ रहा है। और क्या लिख सकते हैं बच्चों, काइनेटिक एनर्जी चार्ज इंटू में पोटेंशियल होता है, यानी कि क्यू इंटू में वी हो गया अपॉन में क्यू बी, ठीक है ना? तो मोटे मोटे मुद्दे में बात करें हम लोग, मोटे मोटे मुद्दे के अंदर बात करें तो हम लोगों को समझ में आ रहा है कि जो हमारा आर है बच्चों, जो हमारा आर है बच्चों, वो क्या है, एम वी अपॉन में क्यू बी, वो किसके इक्वल है, पी अपॉन में क्यू बी, वो किसके इक्वल है, टू एम के का होल रूट अपॉन में क्यू बी, वो किसके इक्वल है, टू एम क्यू कैपिटल वी अपॉन में क्यू बी और इसका होल रूट, ठीक है ना? बात क्लियर हुई, हमें समझ में आया, ठीक है ना? अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है ना? इसके ऊपर बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है?